दोस्तों देख सकते हो आप लोग कितना बेहतरीन साइज है दोस्तों, लगभग 2.5 किलो का साइज है। देखिए दोस्तों ये मछली जाले में फंस गई दोस्तों, धीरे धीरे से निकालते हैं। देखिए दोस्तों शिकार आपका देख सकते हो आप लोग। आज यूज़ करने वाला बैठे दोस्तों गेहूं का आटा। ये पुराने शिकारियों को तो मालूम है दोस्तों कैसा अटैच करना है हुक्स पे, जो नए हैं दोस्तों सब्सक्राइबर्स उनके लिए दोस्तों इस तरह से अटैच करना चाहिए। देखिए दोस्तों सारा सेटअप रेडी हो चुका है, देख सकते हो आप लोग। 6 गुच्छा गल पर ये चिनू हुक्स है दोस्तों, 6 नंबर के, थोड़े 7 नंबर से हुक्स है दोस्तों, इसमें मल्टीपल हुक्स है। चलिए इन डब्बों पर शिकार करते हैं आज। देखिए दोस्तों पहला डब्बा थ्रो कर दिया दोस्तों पानी में, इस तरह सेट करिए एज इट इज़। इस तरह हर डब्बे को अपने अपने पोजीशन पे डालते हैं दोस्तों। एज इट इज़ इस तरह वीडियो में देख रहे हैं आप लोग, इस तरह टाइट पोजीशन पे रखिए दोस्तों। चलिए सारे डब्बे डाल चुके हैं दोस्तों, लगभग 6 से 8 डब्बे दोस्तों। उनको बेल भी लगा दी दोस्तों, जहाँ के दूर बैठने पर आवाज़ आ सके। चलो जो भी हो देखते रहिए। देखिए दोस्तों शिकार तो चालू हो चुका है, लगभग 2 बज रहे हैं, धूप बहुत है दोस्तों, कितनी कड़क धूप है देख सकते हो। यहाँ पर छोटा सा पर्दा डाली दोस्तों इधर, इसलिए देख सकते हो। चलिए देखते रहिए दोस्तों, लगभग 8-6 उसके दोस्तों डब्बों पर शिकार है दोस्तों, 8 सेट्स और 2 वेटिंग है दोस्तों। चलिए देखते रहिए क्या शिकार होता, देखते हैं दोस्तों। धूप तो फुल मार रही है दोस्तों, धूप की शिद्दत देख सकते हो आप लोग। चलिए देखते रहिए। तो दोस्तों देख सकते हो आज डब्बे पे डाल दिए दोस्तों, सिंग भी डाल रहे हैं यहाँ पर, 2 सिंग पे शिकार करते हैं दोस्तों। यहाँ पर बाजुक बाजुक आस पास क्यों मिले तो चरवा एक ही जगह करे दोस्तों, इसलिए नज़दीक नज़दीक बैठ के कर रहे हैं दोस्तों। एक पॉइंट पे है दोस्तों, एक डायमंड पे है, इधर साइड में डब्बे दोस्तों आगे पीछे दोस्तों। अभी अभी सिंग पर एक हुकअप हो चुकी है दोस्तों, मछली रोहू मछली लगता है, अच्छा साइज़ है दोस्तों, लगता है 1.5 से 2 किलो का साइज़ है। रिकॉर्ड नहीं कर सकते दोस्तों, क्यों बोलते हो, गर्मी की वजह से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसा कैमरा हो, जैसा एक्शन कैमरा हो, जो भी दोस्तों हीट से गर्म हो जा रहे हैं दोस्तों, इसलिए रिकॉर्डिंग पे रखना लाइवली मुश्किल हो रहा है दोस्तों। जो भी हो एक मछली तो हुकअप हो चुकी है, स्ट्राइक तो रिकॉर्ड नहीं कर सके दोस्तों। देखिए दोस्तों मछली ऐसा खींचने पर छोड़ देना चाहिए दोस्तों, मछली जब भी पलटती है दोस्तों पलट के भागने की कोशिश करती है, जब भी उसको ढील देना चाहिए दोस्तों, इतना भी ढील नहीं देना चाहिए दोस्तों, जाके कहाँ पर किधर भी अटका दे, थोड़ा टाइट पे ही रखते हुए, थोड़ा थोड़ा ड्रैग जैसा काम करता है दोस्तों रील का, जो रील्स की बनावट है दोस्तों, जैसे बैट कास्टिंग रील्स हो या स्पिनिंग रील्स हो, उसमें जो ड्रैग रहता है दोस्तों लोड देने का, वो उसका काम ही वही दोस्तों, जैसा कि ज़्यादा प्रेशर देने पर वो खुल जाता है दोस्तों, उसी तरह से अपने को भी हैंडल करना चाहिए हाथों से। जो भी है चलो देखिए दोस्तों, एक तो मछली हुकअप हो चुकी है, हमने जैसा करा कहा था दोस्तों, लगभग 1.5 किलो का पीस है, बेहतरीन हुकअप हुआ दोस्तों, पहला स्ट्राइक आज का। ये त्रिपुलों की फिशिंग है दोस्तों, देख सकते हो कितना बड़ा बेहतरीन साइज है दोस्तों। दोस्तों ये मछली के पर, ये मछली की उम्र अच्छी रहने की वजह से लाल कलर आता है दोस्तों उसमें। अब ये भी एक डब्बा फिरा है दोस्तों, लगता है छोटा पीस है दोस्तों, ये लगभग 1/2 kg का पीस लगता है, ये आज का दूसरा स्ट्राइक है दोस्तों। देखिए दोस्तों एक वेटिंग पे पहला शिकार हुआ दोस्तों, 6 गुच्छागल पर पहला स्ट्राइक आज का है, एक वेटिंग पे एक लग चुकी है दोस्तों। चलिए देखते रहिए, देखते हैं जिस तरह आपने देखा है। तुरंत थोड़ी देर बाद और एक डब्बा फिरा था दोस्तों, फिर के रुक गया था दोस्तों। ये क्यों ऐसा होता है बोलते दोस्तों, जहाँ पर डब्बा अपन लगाते हैं दोस्तों वहाँ लॉक हो जाता है, या मछली छोटी रहने की वजह से, या तो मछली भी थोड़े मछलियाँ खींच के भागती हैं दोस्तों, थोड़े गड़बड़ नहीं करते दोस्तों, जैसा हुकअप हो जाते हैं वहीं बढ़ जाते हैं दोस्तों, आस पास फिरते रहते हैं दोस्तों।
इसलिए डब्बा नहीं फिरता दोस्तों, मछली लगकर हुकअप होकर रह जाती है। जो भी देख सकते हो दोस्तों मछली डब्बों पे, आज का ये सेकंड पीस है दोस्तों। वेटिंग का शिकार बाजुक चल रहा है दोस्तों, और एक शिकार ही कर रहे हैं उधर शिकार। फाइनली नज़दीक तक आ चुकी है दोस्तों, क्या बेहतरीन साइज है दोस्तों, लगभग 1.5 से 2 किलो का साइज है दोस्तों। ये मछली खा के भाग रही थी दोस्तों, तो अंदर हुक भी इसके देख सकते हो परों में किस तरह से फंस चुका है। देखिए दोस्तों हुकअप क्या बेहतरीन हुकअप है, देख सकते हो आप लोग। गुच्छागल का यही फायदा है दोस्तों, मछली खा के भागती है दोस्तों, वहाँ से भागने पर कौन सी भी 6 हुक्स में किसी भी एक हुकअप हो जाती है दोस्तों तुरंत बार, वो उधर इधर भागने पर और मल्टीपल हुक्स भी उस पर हुकअप हो जाते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों लाइवली शॉट सिंक पर, ये आज का दूसरा पीस है दोस्तों जो हुकअप हुआ है। मछली पूरी कोशिश करती है दोस्तों किनारों पर झाड़ियों की तरफ या घास की तरफ भागकर हुक्स को मौत से निकाल लेने की, तो ये देख लेना चाहिए दोस्तों कि वो ना घासों में जाए ना पत्तों में जाए, थोड़ा टाइट पोजीशन पर रखते हुए मछली को हैंडल करना चाहिए। चलिए आज दूसरा पीस आज का, देखिए दोस्तों उसी तरह से डब्बों पर एक छोटा सा साइज हुकअप हुआ था दोस्तों, लगभग 1 से 1.5 किलो का पीस है दोस्तों। ये भी इस तरह से थका देना चाहिए दोस्तों एज इट इज़, देख सकते हो वीडियो में किस तरह मछली थक चुकी है दोस्तों, तभी है ऊपर निकालना चाहिए दोस्तों पानी के सतह पर। वो जो जब वो फड़कती है दोस्तों, जब मार लेती है और जब उसका रफ्तार में रहती है दोस्तों मछली, जब निकालने पर हुक्स निकल जाने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं दोस्तों। शाम शाम का वक्त है दोस्तों, लगभग देख सकते हो दोस्तों क्या बेहतरीन साइज है दोस्तों, 1.5 किलो का पीस देख सकते हो लोग। चलिए देखते रहिए आगे, देखते हैं और मार। ये आज का तीसरा स्ट्राइक है दोस्तों सिंक पर, ट्रिपल हुक वेटिंग का शिकार। देखिए दोस्तों हमने जिस तरह कहा था दोस्तों, ये निकल जाने की पूरी कोशिश करी दोस्तों, जैसे दोस्तों जाके झाड़िया में और जाले में अटक गई दोस्तों। इस तरह अटकने पर उसको खींचिए मत दोस्तों, अगर जो डीप नहीं है जाकर मछली को पकड़ लेना चाहिए हाथ से। यहाँ तो जाले में से निकल चुकी है दोस्तों मछली, मगर जाले में इसको हमने इसको कवर कर दिया दोस्तों, जाले को इसके ऊपर ढक दिया है। मछली तो हुक से निकल चुकी है दोस्तों, झाड़ियाँ में जहाँ पर भी अटकती है दोस्तों मछली, निकल के उतर कर निकाल के निकालना ही पड़ता है दोस्तों। गड्ढे पैर के खींचने पर मछली निकल जाने के चांसेस पूरे पूरे रहते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों हुक से मछली निकल चुकी है, लगभग ये भी 1.5 से 2 किलो का पीस है दोस्तों। ये वेटिंग का चौथा पीस है दोस्तों, चलो जो भी है देखते रहिए। कोशिश तो जारी है दोस्तों, बहुत देर के बाद लगभग शाम शाम के वक्त एक अभी भी स्ट्राइक लगा दोस्तों, देख सकते हो आप लोग। दोस्तों ये लगता है बड़ा साइज दोस्तों, क्यों बोले तो लगभग आधी फिर भी खाली हो दोस्तों। चलिए इसे हम हैंडल करते हैं दोस्तों, मछली को हैंडल करना ही मेन है दोस्तों। हुकअप तो मछली हो जाती है, लेकिन उसको सतह तक लाना, अंचल पे लेके आना ही बड़ा टास्क है दोस्तों, क्यों बोले तो उसके लिए बहुत सारा टेक्निक्स चाहिए दोस्तों। मछली जिस पोजीशन पे जाती है दोस्तों, उसी पोजीशन पे छड़ी को घुमाकर धीरे धीरे से हैंडल करना चाहिए, तभी जाके मछली से हुक नहीं निकलते दोस्तों, वैसे ही सेट हो गए रहते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में उसे खींचने पर हुक्स निकल जाते हैं दोस्तों। जो भी हो देख सकते हो क्या बेहतरीन साइज़ है, ये लगता है 2.5 से 3 किलो का साइज़ है दोस्तों।
देखिए दोस्तों मछली अंचल पर आने के लिए तैयार नहीं है दोस्तों। दोस्तों मछली इतनी भी बड़ी नहीं है दोस्तों, आप लोग समझते होंगे, इसे खींच कर गड्ढे पे तुरंत डाल दे सकते हैं, लेकिन ऐसा खींचने पर मछली निकल जाने के चांसेस बहुत सारे रहते हैं दोस्तों। लगभग 60-70% मछली हुक से निकल जाती है दोस्तों, इसीलिए इसे धीरे धीरे से हैंडल करने की वजह वही है दोस्तों। खासकर बड़े पीसेस इसीलिए कतला और बड़ी मछली साइज जब भी लगते हैं दोस्तों, तो उसको निकालने के लिए लगभग 15 से 20 मिनट या आधा घंटा भी लग सकता है दोस्तों। देखिए दोस्तों फाइनली आ चुकी है दोस्तों मछली। देखिए दोस्तों अभी भी हमने जिस तरह कहा था उस तरह हुकअप निकल चुका है दोस्तों, हुक्स निकल सके दोस्तों मछली से। आज तकरीबन 8 पीस दोस्तों देख सकते हो साइज़, 2 से 2.5 किलो का पीस है दोस्तों। क्या बेहतरीन पीस है सिंग पर। जो भी हो दोस्तों आज बेहतरीन शिकार हुआ दोस्तों, देख सकते हो आप लोग लगभग आधे पीसेस वेटिंग पर, आधे कुछ अगल पर लगे दोस्तों। देखिए दोस्तों आज का शिकार शानदार शिकार आज का जबरदस्त मारे दोस्तों। वीडियो आज पूरा देखिए दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और जो भी अच्छा इसमें नहीं लगा वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए दोस्तों, जो भी अच्छा लगा और जो भी इसमें सही नहीं लगा आपको लोग का। तो देखिए फाइनल आज का शिकार इतना ही है, आगे मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ और नए टेक्निक्स के साथ। बने रहिए विलेज एडवेंचर विद खियामुद्दीन के साथ।